नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं अपने चैनल स्टडी विद फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि माउंटेनियस एरिया में क्लाइनोमीटर कंपास का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है क्लाइनोमीटर कंपास, ये क्लाइनोमीटर कंपास है, ये ब्रिज है जो आप देख रहे हैं, और ये नीचे जो है ये वाला, ये पेंडुलम बोलते हैं इसे, और ये स्ट्रैक डायरेक्ट सॉरी डायरेक्शन पिन है ये। ठीक है दोस्तों, इसे ओपन करते हैं और क्लोज कर देते हैं, इसे टाइट कर दो तो क्लोज हो जाता है और ढीला कर दो तो ओपन हो जाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये करना होता है कि इसको बेडिंग प्लेन पर, ये मान लो सपोज करो ये बेडिंग प्लेन है, ऐसा ही कुछ दे देते हैं प्रैक्टिकल में चेक कराने के लिए कि कैसे डिप निकाली या कैसे तुम आपने डिप निकाली और स्ट्राइक डायरेक्शन कैसे बताई, ऐसा एक फट्टा दे देते हैं प्रैक्टिकल में। और सपोज करिए ये बेडिंग प्लेन है, बेडिंग प्लेन पर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पेंडुलम जीरो पर आ जाए, बस इसे रोटेट करते हैं। देखिए अब पेंडुलम जीरो पर होना चाहिए, अब जीरो पर है पेंडुलम, पेंडुलम जीरो पर आ गया। देखिए पेंडुलम अब जीरो पर है, ओके। अब इसे नीचे गिर कर और इसका इस पर लाइन खींच देंगे, ये होगी स्ट्राइक लाइन। अब स्ट्राइक लाइन की अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये ऐसे रखा सेम उसी पर और इसे सीधा कर लिया, ये बताएगा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन है 35, स्ट्राइक की अमाउंट ऑफ डायरेक्शन स्ट्राइक 35 टू 215 215, ओके। अब डिप कैसे देखेंगे, डिप को ये तार लगा हुआ है तो इसी साइड ऐसे लगा के देख लेंगे, ऐसे देखा कि कितने एंगल पर झुका हुआ है, ये कितने एंगल पर झुका हुआ है ये देखेंगे। तो ये है 23 डिग्री अमाउंट ऑफ डिप, ओके। अब डायरेक्शन ऑफ डिप कैसे निकालेंगे, बस इसे इसी साइड यूं रख लेंगे, रखा हमने, अब रख के सीधा कर लिया, डायरेक्शन ऑफ डिप बताएगा। अरे क्या हो गया तेरे को, देखिए पेंडुलम घूम रहा है, एक जगह रुक जाएगा तो हम जब पहचान हो जाएगी कि कितना हुआ। थ्री हंड्रेड फोर और ये इधर वन टू फोर, थ्री हंड्रेड फोर और वन टू फोर, थ्री हंड्रेड फोर टू वन टू फोर तक ये डायरेक्शन ऑफ डिप हो गई। बस यही स्टेप थे ये निकालने के लिए, बस ओके। अब कैसे प्लॉटिंग करते हैं मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।